लिखी है सेल्फ इंडक्शन, इट इज द फिनोमिना it is the phenomena according to which an opposing induced emf is produced in a coil as a result of change in current or magnetic flux linked with the coil सेल्फ इंडक्शन. इसके अंदर हम लोगों ने बैटरी की लगाई, कॉइल ली. जब हम लोग इस की को प्रेस कर रहे हैं मतलब सर्किट को ऑन कर रहे हैं, यहाँ से करंट जाना चालू होगा, करंट ग्रो होगा मतलब करंट बढ़ेगा. जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी उसके अंदर इंक्रीज होगी, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड. लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्यों इंक्रीज हुई, क्योंकि करंट वेरी कर रहा है. तो इसलिए हमने दोनों वर्ड वहां पे डाले, हमने वर्ड करंट भी दिया और हमने वर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स भी दिया, दोनों वर्ड हमने उसके अंदर दिए. अब हम ये तो नहीं बोल सकते कि करंट के कारण करंट प्रोड्यूस हो गया, इसलिए हमने वहां क्या वर्ड यूज किया, इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो इट इज द फिनोमिना अकॉर्डिंग टू विच एन अपोजिंग इंड्यूस्ड EMF is produced in a coil. किसके कारण produce हो रहा है, तो due to varying current or magnetic flux linked with the coil. तो ऐसा नहीं लिख दिया अपन ने कि current के कारण current produce हो रहा है, induce हो रहा है, हमने word use किया and induced EMF is developed. 5. Magnetic flux is directly proportional to current. So 5 is equal to, यहाँ पर हम वर्ड देंगे L, proportionality का साइन हमने लगाया. Phi is equal to LI, where L is called as self induction चल रहा है, तो यहाँ वर्ड देंगे self inductance. बस लिख लीजिए, L is called as self inductance or coefficient of self induction. अब एक और फॉर्मूला, हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर रहे हैं, हमेशा इंड्यूस्ड ईएमएफ जो भी हमारा इस चैप्टर में चल रहा है उसको हम स्मॉल ई से डिनोट कर रहे हैं. तो स्मॉल ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी. ये अपन ने फॉर्मूला पहले ही लिख लिया है कि माइनस साइन जो है वो अपोजिंग नेचर को डिनोट कर रहा है. तो ई इज इक्वल टू माइनस डी बाय डी टी ऑफ फाई की जगह एल आई, L constant है, बाहर निकाल देंगे. It is E is equal to minus L di by dt. ये हमारा second formula. ये दो formulas हमारे पास में हो गए self induction से related. अब L की unit लिखेंगे, इतना complete करिए. चलिए L की unit लिखेंगे. The unit of self inductance is. Sorry, मैम, वो name का option आया ही नहीं उसमें. The unit of self inductance is Henry, denoted by capital H. Next line में लिखिए, self induction is called as inductance, नहीं बोला बेटा मैंने, self induction is called as, ये जो property है
इसका हम लोग एक नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एक्चुअली समझिए कि किसी ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा मास होता है उतना ज्यादा उसका इनर्शिया होता है. ये लॉज के हिसाब से हम लोग चलते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ. फर्स्ट लॉ में इनर्शिया की हम बात करते हैं कि जिस चीज का मास जितना ज्यादा उसका इनर्शिया उतना ज्यादा. इनर्शिया का मतलब टू रेजिस्ट द चेंज, इतना समझ आता है. अब हम लोगों ने बोला कि दिस सेल्फ इंडक्शन इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इसके अंदर जितना सेल्फ इंडक्टेंस होगा, लिखिए मोर इज द सेल्फ इंडक्टेंस, मोर इज द सेल्फ इंडक्टेंस, मोर इज द अपोजिशन, ऑफर ठीक है. तो जितना ज्यादा सेल्फ इंडक्टेंस होगा, जितना एल की वैल्यू ज्यादा होगी उतना ज्यादा वो अपोज करने की कोशिश करेगा, इसलिए हमने इसे नाम दिया इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अदरवाइज हमारे पास होता है इनर्शिया ऑफ मास. फाइन, नेक्स्ट, इंडक्टर्स इन सीरीज. इंडक्टर्स इन सीरीज के अंदर ये एक इंडक्टर हो गया, ये दूसरा इंडक्टर हो गया. जैसे रेजिस्टर की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस, ऐसे ही इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है इंडक्टेंस. इतना पता चलता है. ये जो कॉइल है इसे क्या बोलते हैं? इंडक्टर. तो इसकी जो प्रॉपर्टी होगी दैट इज कॉल्ड एज इंडक्टेंस. जब अपन ये वाला नहीं ऐसा सिंबल ड्रॉ करते हैं क्या दिमाग में आता है? रेजिस्टर. जब ये ड्रॉ करते हैं तो दिमाग में आता है कैपेसिटर. तो अब ये ड्रॉ करेंगे तो दिमाग में आना चाहिए इंडक्टर. तो तीन आपके दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि जब हम एसी पढ़ेंगे तो हम एल सी और आर तीनों चीजें साथ में लेंगे. एल मतलब इंडक्टेंस, सी मतलब कैपेसिटेंस और आर मतलब रेजिस्टेंस. और जिसकी ये प्रॉपर्टी है वो कहलाता है रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर. डिफरेंस समझ में अपने आप आएगा कि जो सामान है आपके पास वो टर 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 और जो प्रॉपर्टी है वो एनसेंस एंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस. फाइन, तो हमने दो इंडक्टर लिए और उन्हें सीरीज में जॉइन कर दिया. यहाँ पर हमारे पास बैटरी होगी, ईवी होगी, सब कुछ होगा. वो सब कुछ अलग बात है, वो सब कुछ है, बट दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. अब डायग्राम के हिसाब से ये एरोमा सेम एरोमा जाते हैं, मतलब सीरीज करेंट इज आई इज सेम. इतना भी पता चलेगा. डेरिवेशन कहां से शुरू होता है? जो चीज अलग होती है. अलग क्या है इसके अंदर? पोटेंशियल ई एम एस. तो इट इज ई इज इक्वल टू ई वन प्लस ई टू, जो भी उसका इंड्यूस ई एम एफ है दैट इज डिफरेंट. तो ई इज इक्वल टू माइनस एल टी आई बाई डी टी, विच इज इक्वल टू माइनस एल वन डी आई बाई डी टी, करेंट इज सेम. यहां पर भी प्लस माइनस एल टू टी आई बाई डी टी, ये खाली है ऐसा. इसमें से माइनस कॉमन निकाल दो, डी आई बाई डी टी कॉमन निकाल दो, कट हो जाएगा, खाली क्या बचेगा? एल इज इक्वल टू एल वन प्लस एल टू. तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया इंडक्टर इन सीरीज. ऐसे ही हम लेंगे इंडक्टर इन, समझ में आ गया. ये हमने पैरेलल बना दिया, यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर दी, की कनेक्ट कर दी. इसमें की का इम्पोर्टेंस है क्योंकि चालू करोगे तो करंट बढ़ रहा है ना, इंड्यूस्ड की बात कर रहे हो तो वो बढ़ना और कम होना दिखाना है, इसलिए अपन की यहाँ पे हमेशा ड्रॉ कर ही रहे.
यहाँ से गए यहाँ से गए, दो रास्ते मिल गए, मतलब दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इनका करंट जो है वो अलग अलग हो गया, करंट अलग हो गया, शुरू भी वहीं से करेंगे, I is equal to I1 plus I2, अब क्या करें, क्या चीज सेम है, E is same, E का फॉर्मूला होता है माइनस L EI by DT, अब इसको अपन लोग मालूम है कि हमें DI और DT तो चाहिए ही चाहिए, तो इट इज बेटर कि हम इसको लिखें DI is equal to DI1 plus DI2, small amount of current is taken, उसके बाद सब तरफ हम इसको DT 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 से क्या कर दें, डिवाइड कर दो, इजी गोइंग पड़ेगा, तो DI by DT का फॉर्मूला हमारे पास हो गया माइनस E अपॉन L, थोड़ा इजी पड़ जाएगा और कुछ नहीं, यहाँ पर अपन लोग लिख देंगे E अपॉन L इज इक्वल माइनस E बाय L इज इक्वल टू माइनस E अपॉन L1 प्लस माइनस E अपॉन E कॉमन निकाल के माइनस कॉमन निकाल के कट, आंसर 1 अपॉन L इज इक्वल टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2, जैसा रेजिस्टेंस में आता था वैसा का वैसा आपका इंडक्टेंस के लिए आ जाएगा, लिखिए एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, एनर्जी मतलब वर्क डन, अगर अपन नॉर्मल फॉर्मूला देखें तो हमारे पास होता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, पूरा अगर अपन बेसिक से भी चले तो फॉर्मूला हो जाता है डब्ल्यू इज इक्वल टू Q, और Q होता है तो आपको याद रखना चाहिए कि W is equal to EI T, उस चीज को यहाँ अप्लाई करो, वर्क डन को हम लोग बोल देंगे एनर्जी, तो U हो गया, V की जगह क्या लिखे हैं E, और I T क्या लिखोगे, I T तो इट इज I T, अब E कितना होता है, अरे एल के टर्म्स में बोलो ना, माइनस एल टी आई बाय डी टी, अब एनर्जी में हमें अपोज को दिखाना नहीं है कि करंट अपोज कर रहा है ये वो, तो हम यहाँ लिखेंगे कि ई का मैग्नीट्यूड हम ले रहे हैं, ब्रैकेट में यहाँ लिखना पड़ेगा टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑफ ई, तो ई इज इक्वल टू एल टी आई बाय डी टी, उसके बाद में आई टी टी हो गया, क्या हो गया, डी डी टी कट हो गया, अब जब हम यहाँ डी ले रहे हैं तो डेफिनेटली हमें यहाँ भी क्या लेना पड़ेगा डी, क्योंकि स्मॉल अमाउंट की जब बात कर रहे हो तो वो सभी जगह स्मॉल अमाउंट होगा, अब क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड, डी यू का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एल आई डी आई, इसका इंटीग्रेशन हो गया यू, यहाँ पे एल, यहाँ पे सीओ टू कुछ नहीं, अभी आए कहेंगे इट इज आई डी आई, कितना ऊपर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, पावर यहाँ पे वन है तो इट इज एन आई स्क्वायर अपॉन टू, फॉर्मूला लगता है इसके अंदर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो पावर में वन है, वन प्लस वन इज टू, और नीचे भी वन प्लस वन इज टू, तो फॉर्मूला फाइनल हो गया यू इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, ये फाइनल आंसर। नेक्स्ट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनोइड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड, उसके लिए लिखे हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनोइड बोलो भाई डी का फॉर्मूला, वेरी गुड, फॉर अ सोलेनोइड डी इज इक्वल टू म्यू जीरो
where n is number of turns per unit length. Likh ke ये n normal n नहीं है, it is number of turns per unit length. B is equal to mu zero n i. अब मैग्नेटिक फ्लक्स होता है B dot ds, B की जगह mu zero n i और उसके बाद एरिया A. अलग अलग फॉर्मूले चल रहे हैं इनसाइड द सोलेनोइड के लिए, ये हो गया. उसके बाद में हम लोगों ने एरिया की वैल्यू डाल दी. आगे लिखिए फाइ इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स इन वन टर्न मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. ये बहुत जरूरी है